अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 38 एंड इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन टुडेज लेक्चर। बेटा जो कल जहाँ तक हमने जो है लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर अमोनिया डेरिवेटिव्स और उसके बाद अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन थे जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शो करते हैं, वैसे मैं बता दूं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं हमने स्टार्ट में पढ़ा था बेटा कार्बोनाइल ग्रुप के होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इनके इसलिए रिएक्शंस भी ज़्यादा हैं बिकॉज़ दे आर रिएक्टिव, स्पेशली एल्डिहाइड्स, क्योंकि कीटोन्स की निस्बत एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा रिडक्शन रिएक्शंस हैं नेक्स्ट। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की एडिशन या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल, ठीक है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की जो है वो एडिशन करवाते हैं तो फिर जो है वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रिड्यूस होते हैं अल्कोहल्स में, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स और उनकी ऑक्सीडेशन से एसिड्स बनते हैं और इसी तरह वाइस वर्सा। तो पहला जो रिएक्शन है इनकी रिडक्शन के अंदर, फर्स्ट में आप देख रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बोथ बी रिड्यूस, एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल्स और जो कीटोन्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स में रिड्यूस होंगे और कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। पहला जो रिडक्शन मेथड है दैट इज़ विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, NaBH4, उसकी प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस में ये टू स्टेप रिएक्शन है आपके पास, रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद NaBH4 अंडर एनहाइड्रस कंडीशन एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो दो स्टेप्स क्या हैं, पहले स्टेप में जो आपके पास जो ये कार्बन है ये वाला, यहाँ पर लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल एक ही बात है, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं NaBH4 के साथ, तो पहला क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन है HCO पॉजिटिव की, ये जाके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगी, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास जहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, वरना आपके पास पहले जो है वो एक्चुअली ये वाला स्टेप होता है। मैं पहले मैकेनिज्म ही आपको करवा दूँ, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, मैकेनिज्म देखें बेटा, टेट्राहाइड्राइडोबोरेट है सॉरी, जो आपके पास BH4- NaBH4 में से जो BH4- है, ठीक है, इस सोर्स ऑफ हाइड्राइडाइन, ये हाइड्राइडाइन देता है। आप उस दिन पूछ भी रहे थे हाइड्राइडाइन क्या होता है, H- आयन को कहते हैं, ठीक है। हाइड्राइडाइन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये जाकर क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो पहले जाके ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना के और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, वाटर की एडिशन, ठीक है। तो वाटर की एडिशन होगी, तो वाटर का जो H पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ मिलके OH का ग्रुप दे देगा और OH नेगेटिव जो है वो अलहदा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपके पास बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर देखें आपके पास, जैसे ये इन्होंने ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, पहले फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड HCO पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, मेथनॉल में, ठीक है, मेथनॉल में CH3OH, ये CH3OH है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है हम ले लेते हैं जी एसिटाल्डिहाइड, अगर रिएक्ट करे एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो एथेनॉल बन जाएगा। अगर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन आपको पता है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, अगर वो रिएक्ट करेगा तो फिर आपके पास 2-प्रोपेनॉल बन जाएगी, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसेस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बट नॉट द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो जो कार्बन कार्बन जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको रिड्यूस कर सकती है, लेकिन कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसको रिड्यूस नहीं कर सकती। इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं है, ठीक है। उसके एक ये रिडक्शन का मेथड है जिसमें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में या उसकी मदद से करते हैं। दूसरा रिडक्शन का मेथड है जहाँ पर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कहते हैं जिसको, ठीक है। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, कहीं पे सुना हुआ होगा मैट्रिक में भी, ठीक है। जो वेजिटेबल घी है हाइड्रोजनेशन में जो है वो अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन में ये रिएक्शन जो है वो हम अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन में यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, प्लैटिनम
और निकल, इन तीनों में से कोई भी कैटलिस्ट यूज़ हो सकता है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो बन जाती हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट रिएक्शन आपके पास लिख दिया उन्होंने, कहा जी हाइड्रोजन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर आपके पास CH3OH, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स ऐड हो गई हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसलिए ये कैटालिटिक रिडक्शन कहलाती है। इसी तरह एसिटल्डिहाइड CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो गई। इसी तरह एसीटोन जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आपने देखा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों जो है वो रिडक्शन रिएक्शन देते हैं बेटा। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था एल्डिहाइड्स की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कीटोन्स के केस में ऐसा नहीं होता, कीटोन्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो वो किसी हद तक जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस शो करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन इसलिए उन्होंने सेपरेट लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन अलहदा लिखा हुआ है। बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, आप हल्का सा माइल्ड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे जैसे कि टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये क्या होते हैं ये भी आप आगे देखेंगे। दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आर इजिली ऑक्सीडाइज बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 और H2SO4। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटाशियम पर मैंगनेट या आपके पास KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो मतलब इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे एंटर हो जाएगी, हम इसका मैकेनिज्म नहीं स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एंटर हो जाएगी, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर ये प्रोपियोन एल्डिहाइड होता तो फिर ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट एल्डिहाइड, तो जितने कार्बन यहाँ पे थे उतने ही कार्बन वाला एसिड बनेगा, जितने कार्बन यहाँ थे 3 थे तो उतने ही कार्बन वाला यहाँ पे एसिड बनेगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की। ठीक है, कीटोन्स जो हैं ये मैंने बताया अभी आपको कि आसानी से जो है वो ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली बिकॉज दे आर रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। बेटा देखें यहाँ पर जो था एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन को एंटर होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता था। ठीक है, बात ये समझ आ गई। लेकिन जब कीटोन्स में है तो कीटोन्स में अगर ऑक्सीजन ने ऐड होना है तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसे। बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से कीटोन्स जो हैं ये रेजिस्टेंस शो करते हैं ऑक्सीडेशन से, इन्हें आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है वो कर सकते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जबकि वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, परमैंगनेट पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड, उसकी प्रेजेंस में आप इसे ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप आर अटैक्ड, द कार्बन एटम जॉइंट टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स ओनली वन कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड। वो ये बात कर रहे हैं कि दोनों में से दो तरफ लगे हुए ना कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, बेटा इनमें से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, और प्रेफरेंशियली वो वाला होता है। अब जैसे यहाँ पे तो दोनों सेम हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एक तरफ वो कार्बन लगा हुआ है जिसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ वो कार्बन लगा हुआ है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो फिर ये वाला प्रेफरेबल होगा, कम हाइड्रोजन वाला। ठीक है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स ओनली वन कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड, एंड मिक्सचर ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज ऑब्टेन। अगर आपके पास सिमेट्रिकल जो है वो कीटोन्स हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स लाइक आपके पास ये सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, ठीक है, तो इनमें सिर्फ एक जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज होगा, एक कार्बन जो है वो सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा। अब ये एसीटोन देखें आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन जब आप इसकी करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एक ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है CH3C OH, और फिर ये जो CH3 था यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है आपके पास HC OH। तो बेटा ये दो तरह के एसिड बनते हैं, एक एसिटिक एसिड बना है और एक फॉर्मिक एसिड बना है।
इसी तरह जब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करते हैं तो द कार्बन एटम जॉइंट टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज। ये मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो वो वाली कार्बन ऑक्सीडाइज होगी पहले जो आपके पास जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम हैं, ठीक है। एंड बाकी जो है वो एंड द कार्बोनाइल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये आपके पास देखें इनमें ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, जब ऑक्सीडाइज होगी तो आपके पास एसिटिक एसिड बन गया CH3 डबल बॉन्ड OH और नेक्स्ट आपके पास दोबारा फिर जो है वो एसिटिक एसिड बन गया दैट इज CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये कैसे बना है बेटा, देखें दो कार्बन आपके पास यहाँ रह गए और दो कार्बन ये रह गए, ठीक है। तो फिर आपके पास एक ही तरह का एसिड बनता है जब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होती हैं तो मोस्टली एक ही तरह का एसिड बनता है, जब सिमेट्रिकल कीटोन्स होती हैं तो आपके पास दो तरह के एसिड्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शंस थे, यहाँ तक आपके पास जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के वो ख़त्म हो गए हैं। ऑक्सीडेशन भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में बताएं या फिर सिर्फ कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के बारे में बताएं, बिकॉज वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 5 ईयर पेपर जितने मर्जी उठा के देख लें, आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लाजमी यहाँ से आए हुए नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है किस बारे में बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन टेस्ट, कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइदर ये जो कंपाउंड है एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं, या फिर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ठीक है। इन दोनों देखिए दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस से आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज वो दोनों में है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो चीज़ चाहिए होती है जो कि दोनों में डिफरेंस क्रिएट करे, ठीक है। तो पहला टेस्ट देखें 2,4-dinitrophenylhydrazine टेस्ट, ये भी हमने पीछे पढ़ा था कल के लेक्चर में, आप निकाल के दोबारा देख लें, मैंने बताया था कि वो येलो और ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो दोनों ये रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म अ येलो रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-dinitrophenylhydrazine सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन यूँ आता है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर ये वाला टेस्ट उसमें आएगा कि उन्होंने पूछा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आप जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आता है कि उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं तो फिर आपने वो टेस्ट लिखने हैं जो कि एल्डिहाइड्स दे और कीटोन ना दे, या फिर कीटोन दे और एल्डिहाइड ना दे, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट देखिए सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट एल्डिहाइड्स देते हैं और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स देते हैं, हायर कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। ये आपने साथ साथ ना बेहतर होगा कि आप टेस्ट का नाम लिखें और आगे लिख लें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो टेस्ट देती हैं, इसका मतलब बाकी नहीं देंगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया कि ये आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं विद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन। तीसरा टेस्ट है आपके पास टॉलेंस टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बेटा होता ये है कि एल्डिहाइड्स जो है अगर हम उन्हें टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो सिल्वर मिरर जो है वो बना देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो है ना एक साइड पे जैसे मिरर होता है ना सिल्वर कलर का, उस तरह का एक फॉयल टाइप, जैसे आपने फॉयल देखी हुई होगी उस तरह का एक जो है ना फिल्म सी एक बनने लग जाती है, ठीक है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। अगर तो ये बनने लग जाती है तो आपका मटेरियल एल्डिहाइड था वरना नहीं था, ठीक है, वरना कीटोन होगा अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर जो है अब टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सॉरी ये वाला, अच्छा इसके बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ ना अ सिल्वर मिरर इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसमें, इस टॉलरेंस रिएजेंट में कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है जिसे हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, जब कंबाइन होता है तो आपके पास ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, और साथ अमोनियम नाइट्रेट बनता है। आप अगर इसे एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो आपके पास सिल्वर जो है वो अलहदा होने लग जाएगा, 2Ag जो लिखा हुआ है ये सिल्वर मेटल है, ठीक है। तो सिल्वर मिरर जो अलहदा होने लग जाएगा, ये आपके पास सबूत है कि आपका जो मटेरियल था वो
एल्डिहाइड था। तो हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ये मिरर जितने भी मिरर्स आप देखते हैं घरों में भी होंगे, ये इसी तरीके से बनते हैं। कीटोन्स जो हैं ये रिएक्शन नहीं देती, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक तो आपके पास उसमें टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट आ जाएगा, दूसरा आएगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक है। वो भी हम देखते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड कलर का, ठीक है। ब्रिक रेड होता है, जैसे आपने ईंटों को देखा होगा, लाल ईंटें जो होती हैं वो वाला कलर, ठीक है। विद फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड सॉल्यूशन में क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और उसे बॉईल करते हैं। अगर ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड के होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O होता है, ठीक है, ये वाला, तो फिर आपके पास वो एल्डिहाइड था वरना कीटोन था। तो ये रिएक्शन इसका याद होना चाहिए आपको, एल्डिहाइड किस किस के साथ ऐड कर रहे हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ, CuO इज होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास अगर ये बन जाते हैं तो फिर आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो एल्डिहाइड था। फिर है जी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में भी आपके पास जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो क्यूप्रिक सिट्रेट का होता है। फेलिंग में किसका था? क्यूप्रिक टार्ट्रेट का, और बेनेडिक्ट्स में किसका अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है? क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स साइन, ठीक है। एलिफैटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसका और फेलिंग सॉल्यूशन का जो रिएक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये दोनों भी एल्डिहाइड रिएक्शन ये देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। लास्ट में आपके पास है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। कीटोन्स प्रोड्यूस अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। एल्डिहाइड्स नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये वो रिएक्शन है अगर जो कीटोन्स देंगे, एल्डिहाइड्स नहीं देंगे। तो ये आपके पास ये लाजमी होता है कि आपने बताना हो कि जी किस कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं और वो किस चीज़ के प्रेसिपिटेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो गया है। दिस इज़ योर आई थिंक दिस इज़ फिफ्थ चैप्टर, मतलब पाँच चैप्टर्स हम जो है वो कर चुके हैं। बेटा मेरी तरफ से ये वकेशंस में आपका जो कोर्स था ना, ये इतना ही होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो हम तब स्टार्ट करेंगे जब कॉलेज जो है वो ओपन होंगे। लेकिन आप जो ये पांच चैप्टर्स कर चुके हैं, मुझे इनका टेस्ट देंगे, ठीक है। वो मैं आपसे कल आपकी क्लास टाइमिंग में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, कि आपने जो है वो किस तरह से देना है। अल्लाह हाफिज़।